करते हैं। अच्छा, इस वाले समय मेरे से गड़बड़ी हो गया था, वो 75,000 जो था ना वो इमीडिएटली मैं पढ़ा नहीं था, तो वो 75,000 इंटू 1 प्लस i टू द पावर 0.5 होगा, क्योंकि इमीडिएटली था तो बोल के उसको एंड ऑफ द ईयर पे लेके जाना था। ये बहुत कॉमन एरर है जो मेरे से हो जाता है बार बार, ठीक है, इसको देख लेना। एंड ऑफ द ईयर पे, बिकॉज रिजर्विंग जो है वो एंड ऑफ द ईयर पे ही था। क्या चीज इमीडिएटली रहेगा तो एंड ऑफ द ईयर पे इसी तरीके से लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखना। 31 का पार्ट वन इज वेरी इजी, पढ़ो एक बार। 31 का पार्ट वन इज वेरी इजी है, पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ना। आई वॉन्ट कि आज थोड़ा ज्वाइंट लाइफ में पिकअप आए अपना, ताकि ज्वाइंट लाइफ इजी लगे अपने को, ठीक है। क्या बोल रहे देखो, एन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ 10,000 पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर ऑफ अ मेल लाइफ एंड अ फीमेल लाइफ। तो जो दोनों में से लास्ट सर्वाइवर होगा उसको पैसा मिलेगा। अब अगर दो लाइफ है तो लास्ट सर्वाइवर तो एक ही हो सकता है ना, या तो मेल या फिर फीमेल। तो दोनों में से जो लास्ट सर्वाइवर होगा उसको पैसा मिलेगा, तो लास्ट सर्वाइवर का इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, तो पार्ट वन का इक्वेशन क्या बनेगा, बनाओ सब लोग और इसको सॉल्व करो फटाफट, पूरा पूरा सम कर लो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। पूरा पूरा सम कर लो, अपने पास में टाइम बहुत है, ठीक है। अच्छा से प्रैक्टिस करना, ठीक है, छोड़ना नहीं आपकी बार। क्या इक्वेशन बना रहे हैं, भूमिका बताना क्या इक्वेशन बनाया है। 10,000 ए बार 55 बार, गुड। डेल्टा से भी कर सकते बेटा, हाँ तो डी से भी कर सकते, डेल्टा से भी कर सकते, किसी से भी कर सकते। सॉल्व हो गया क्या, बोर्ड पे देखो प्लीज, एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि बहुत सिंपल है, ग्रीन में देखना, ग्रीन में देखना।
पिच कर रही हो तुम, ग्रीन में देखना इस चीज का, बोलता है कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पॉलिसी। तो वेरिएंस जब हम लोग निकालेंगे एक्चुअल में ये है क्या, लास्ट सर्वाइवर है एंड इमीडिएटली है। जब भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन बोलता है तब तो हम लोग नॉर्मली कर देते हैं ए वाला। वेरिएंस में वी नीड टू यूज द रैंडम वेरिएबल वाला फॉर्म। नाउ व्हाट इज रैंडम वेरिएबल वाला फॉर्म, वी टू द पावर टी एक्स। नाउ व्हाट इज वाई टी, बिकॉज इमीडिएटली बोला है एंड 55 मेल 50 फीमेल बार, क्योंकि लास्ट सर्वाइवर। ये सबको समझ में आया। एंड 10,000 इज द अमाउंट, 10,000 इज द अमाउंट, 10,000 वी, वी क्यू है, ए क्यू नहीं है, बिकॉज एश्योरेंस है, एनविटी नहीं है। एनविटी होने से हम लोग करते हैं ए वाला चीज, स्मॉल ए करके जो लिखते हैं। बट यहां पर क्या है, एश्योरेंस है, एश्योरेंस में याद है कैसे करते थे, वी टू द पावर टी एक्स, वही चीज यहां पर है, उसका वेरियंस निकालना है। तो वेरियंस कैसे निकालेगा, 10,000 बाहर आएगा तो कैसे बाहर आता है, स्क्वायर होके। सब लोग रैंडम वेरिएबल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेने, तो दिक्कत हो गई होगा। 10,000 का स्क्वायर, वेरियंस ऑफ वी टू द पावर टी 55 बार। नाउ वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मुला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जो दो दो चश्मा लगा के भी नहीं देख पा रहे कि सर दोनों तो सेम ही चीज है, नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर कहां पर है, उसमें फर्क पड़ता है। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला हुआ। अब देखो ये जो 2 है इसको मैंने अंदर ले लिया, ऐसे कर सकते हैं ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर ए ऐसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर बी, सॉरी एक्स टू द पावर बी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, वही किया मैंने। अब जब v की जगह में v स्क्वायर होते हो तो क्या आ जाता है, 2, याद है v की जगह में v स्क्वायर आता है, वेरियंस ऑफ होल लाइफ पेबल इमीडिएटली क्या होता था, 2 a बार x माइनस a बार x का होल स्क्वायर। तो इसलिए 2 a बार x की जगह में यही है, ठीक है, माइनस दिस, यही तो है ना एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज वॉट, a बार 55 बार। अच्छा अब इसको ब्रेकअप करना है और इसको ब्रेकअप करना है, तो इसको जब ब्रेकअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल प्लस सिंगल माइनस जॉइंट, एंड इसको जब ब्रेकअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल प्लस सिंगल माइनस जॉइंट। तो इसका ब्रेकअप देखो, इसका ब्रेकअप क्या होगा पता है, 2 a बार 55 प्लस 2 a बार 50 माइनस 2 a बार 55 50, ये बस बार नहीं होगा क्योंकि अब तो जॉइंट लाइफ हो गया ना, माइनस, अब इसका क्या करेंगे पता है, a बार 55 प्लस a बार 50 माइनस वो चीज का स्क्वायर, और बाहर में क्या है, 10,000 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, क्या चीज जो से बोल, हाँ खाली एक्सप्रेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है क्योंकि उस डेटा दिया नहीं इसमें, क्या कौन से वाले पार्ट को बताओ, ये सुनो, 2 a बार x को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, हाँ, कुछ भी ले ले, 2 वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो सॉल्व नहीं होगा बिकॉज वो खाली 4% पे ही दिया हुआ है, उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोग को जो जॉइंट लाइफ वाला जो टेबल बुक दिया वो खाली 4% के लिए दिया, इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये वाला जो है इसको सॉल्व कर सकता है, इसको भी नहीं कर सकता है, अगर पीएमए पीएफए बोलता है ना तो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि पीएमए पीएफए में नहीं दिया हुआ है, 8 नहीं दिया हुआ है, नहीं कर पाएगा। अगर एएम 92 बोलेगा तो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज हम बता रहे, सुनो एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड कॉपी मत करो, एक सेकंड रुको, इधर देखो खाली वाला स्पेस में देखो एक बार, 2 a बार x इज a बार x एट द रेट 2 है ना, 2 को क्या करते थे याद है, 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 1 ये करते थे हम लोग, 1 प्लस आई का, याद है, 2 का मतलब क्या है, v इज रिप्लेस बाय व्हाट, v स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो, बता रहे इसको पहले कॉपी करो भाई, एम 92 में नहीं देगा ये चीज, एम 92 फिर करेगा तो फिर मेल फीमेल का डिफरेंशिएट का फायदा क्या हुआ,
पर्पस ही डिफीट हो जाएगा फिर तो. बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वी को मैंने वी स्क्वायर से रिप्लेस किया बस. लास्ट वाला लिख दिया ना बुकलेट टू का क्लैरिफिकेशन. हाँ तीन ही तो पार्ट था कल का. अभी तो बताया x टू द पावर a टू द पावर b इज व्हाट, x टू द पावर b टू द पावर a. ये यही तो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ v टू द पावर t 5550. यही तो इसका एक्सप्रेशन है. तुम उसका एक्सपेक्टेशन लेगा तो यही तो आएगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ v टू द पावर tx क्या होता है, a बार x, वही तो किया है. फिर से हाँ खोल दो उसको, खोल दो. ऐसे दिख नहीं रहे मेरे को. हाँ ये लो कॉपी करो, मैं बता रहा हूँ, पूरा कॉपी कर लो पहले. तुम लोग ये किए हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ v टू दी पावर टी एक्स क्या होता है, a बार x, तो वही तो है. ठीक है नोट लिख देना, 2a बार इज कैलक्यूलेटेड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 1. ये खाली एम 92 में ही पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एम 92 में एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. माइनस ऑफ क्यों करना है, ए बार से एडीयू में कैसे कन्वर्ट होगा, माइनस 0.5 करना पड़ेगा ना. कितना आ रहा है, ठीक है ठीक है.
ए बार को कैसे कन्वर्ट करता है, देख फॉर्मूला देख, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई भी एक तरीका से कर सकता है। एक मिनट लोग जंप मत करो, एक एक करके अब देख लो, पहले इसमें डाउट्स का क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। ये वाला यहां से कैसे आया, सुनो एक मिनट, यहां से यहां पर कैसे आया ये देख लो। अगला कॉपी हो गया सबका, एक्सपेक्टेशन ऑफ वी टू द पावर के एक्स प्लस वन क्या होता है, ए एक्स होता है ना, तो वही तो कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ वी टू द पावर टी एक्स क्या होता है, ए बार एक्स। ए एम 92 टेबल खोलो एक बार फटाफट, ए एम 92 टेबल बुक खोलो एक बार, उसमें देखो ऐसे दिया होगा, 2ax का वैल्यू दिया होगा। नाउ 2ax इज इक्वल टू व्हाट, ax एट द रेट 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है अगर 2ax मेरे को बोलता है 4% पे निकालो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ax एट द रेट 8.16%। तो am 92 में तो ये दिया हुआ है मेरे को, दिखाओ एक बार, दे रहा हाँ, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तो सॉल्व हो सकता है 2x। क्या चीज, नहीं नहीं इसका इंटरेस्ट रेट होगा 8.16%। पीएमएपीएफए में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 114 में आना, एक तो देखो लास्ट में देखो नोट दिया हुआ है, एकदम लास्ट में देखो नोट दिया हुआ है, 2ax इज इक्वल टू ax एट द रेट 8.16%। ठीक है, तो ये इक्वेशन होता है, ये वाला इक्वेशन होता है। तो अगर पीएमए पीएफए भी दे तो भी उसको सॉल्व कर सकते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला, टू ए 50 45 ना, हाँ हो सकता है। लाइक इसको पहले हम लोग को इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए 50 45 एट द रेट वही 1 प्लस आएगा स्क्वायर माइनस 1। अब फिर इसको चेंज करो, 1 माइनस डी ए ड्यू 50 45 डबल रेट पे, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। अब फिर से अगर देखा जाए तो ए ड्यू 50 45 वैसे नहीं देता है, नहीं 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 होगा। पीएमएपीएफ हम बोले ना, पीएमएपीएफ इसका कोई यूज नहीं है, नहीं होता है, कभी देखा नहीं है मैंने, पीएमएपीएफ से सॉल्व नहीं होगा। बट ये वाला एएम 92 में आ सकता है, एएम 92 में आ सकता है, एएम 92 में सब कुछ दिया हुआ है, तो एएम 92 में ये वाला आता ही है, पीएमएपीएफ में नहीं आ सकता। पीएमएपीएफ में द मेन लॉजिक ऑफ टेस्टिंग इज योर कि जॉइंट लाइफ वाला कॉन्सेप्ट, ये सब नहीं देते वो लोग कभी। हाँ अगर ए बार वाले मेथड, एक मिनट कंफ्यूजन कहां हो रहा है इसमें, हम बोले दोनों मेथड से कर सकते हैं। ए बार 55 50 बार अगर है तो या तो 1 माइनस डेल्टा ए बार ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, अब अगर इसको सॉल्व करेगा तो कैसे सॉल्व करेगा, अभी तो हम दिखाए थे इसके पहले वाले सम में, दिस इज ए ड्यू
55 50 माइनस 0.5, अभी तो कराए थे इसको, तुम लोग अलग से शायद माइनस 0.5 किया होगा, बट डेल्टा में मल्टीप्लाई करके फिर 1 माइनस करना पड़ेगा। ये तो पूरा ऐसे है ना, लाइक इसका पहले आंसर निकाल के फिर डेल्टा मल्टीप्लाई फिर 1 से माइनस। हाँ तो डी वाले मेथड में क्यों होगा माइनस 0.5? हाँ तुम तो बोले ही दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। हाँ तुम तो बोले ही दोनों में अलग अलग आंसर, दूसरे समय तो बोले इसके पहले वाले में ही तो बोले कि दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में ही बहुत जोर का अप्रोक्स मारा है। कोई दिक्कत नहीं, तुम जो मेथड से करेगा तेरा आंसर जो है वो सही है, कैलकुलेशन वैसे एरर मत करना। ठीक है एक सम दे रहे वो करो, तो ट्वेंटी थ्री सम्स क्लास में था क्या? ठीक है तो फिर इलेवन और ट्वेंटी वन दोनों करना है, इलेवन और ट्वेंटी वन दोनों करना है, और दोनों के बीच का मेरे को डिफरेंस भी बताना है, इलेवन और ट्वेंटी वन दोनों करना है, कुछ भी